अब खबर है चिमूर तहसील से, जहां तहसील के बोथली में मां मानिका देवी नाग दिवाली उत्सव काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दो दिनों तक चले उत्सव में बड़ी संख्या में समाज बांधवों ने भाग लिया। चिमूर तालुका के नेरी के पास स्थित बोथली में आदिवासी माना जमात मंडल तथा विद्यार्थी संगठना की ओर से माना समाज की आराध्य देवत मां मानिका देवी का नाग दिवाली महोत्सव 24 तथा 25 दिसंबर को बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े उत्साह में बोथली में नाग दिवाली महोत्सव का आयोजन कर 24 दिसंबर को परिसर स्वच्छता कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं तानाजी चौके के हाथों पूजा की गई तथा महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम भी लिया गया। साथ ही नाग दिवाली कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम को दिनकर चौधरी, मनोहर चौधरी सरपंच बोथली गांव के मान्यवर उपस्थित थे। इसके बाद शाम को स्कूली छात्रों के सांस्कृतिक कार्यक्रम लिया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने सहभाग लिया। इसके बाद भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक भजन मंडलों ने सहभाग लिया। 25 दिसंबर को सुबह ग्राम स्वच्छता कर सभी ने अपने घर के सामने साफ सफाई कर रंगोली निकाल कर मां मानिका देवी की संपूर्ण गांव में ढोल ताशे की आवाज में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं तथा पुरुष आकर्षक वेशभूषा धारक शामिल हुए। महिलाओं के आकर्षक लेजिंग पदक सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। नाचते गाते हुए मां मानिका देवी का जय घोष करते हुए यह शोभा यात्रा पूरे गांव से निकाली गई। इसके बाद समाज प्रबोधन पर कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम में नीलेश नन्नावरे, नेचर फाउंडेशन नागपुर, कोमल पारेकर, राजू नन्नावरे, आशीष नन्नावरे सरपंच काजल सर, मनोहर चौधरी सरपंच, राजू डहारे, मानिक सहारे, वसंत दड़मल, तुलसीदास दड़मल, एडवोकेट सूरज दड़मल, एकनाथ बोरकर, पूर्णिमा चौधरी, नमिता पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य नतू धारने, विकास सरपाते, श्रावण चौधरी, सुखबू दड़मल, प्रभु चौधरी आदि मान्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में माना समाज की आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक विषयों पर प्रकाश डाला गया तथा माना समाज का इतिहास बताया गया। महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जाए, इस पर भी मार्गदर्शन किया गया। साथ ही समाज की प्रगति करने के लिए शिक्षण महत्व है और समाज बांधव ने अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण ले, ऐसा आह्वान मान्यवर ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद चौधरी वही आभार विकास सरपाते ने किया। महाप्रसाद से कार्यक्रम का समापन किया गया। रात को एक नाटक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल करने के लिए आदिवासी माना समाज बांधव बोथली ने परिश्रम लिया। सिटी गुलाबार विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते की रिपोर्ट।